कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअद्वैत श्री सुक उवाच अथोद्धवो निशम्यैवान् कृष्ण दर्शन लाल सहा कृष्ण दर्शन लाल सहा सांत्वयन् प्रिय संदेशैः गोपीरिदम भासत उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती व्यासामित्यर्पितं मनः। एवं भगवत प्रिया वाक्यामृत पाना शक्त मानसः किंचिदपि वक्तुम् अवसरम् अलभ्यमानः तत्प्रेमातिरेकम् अवलोक्य अतिचकित हृदय हा हा इति मनसि एव वदन् तद्वचनानि शृण्वन् तुष्णीमास्थितः। भगवत प्रिया चेतः परम वक्तुम् अक्षमम् अवशिष्ट सख्यश्च चित्रवत् तुष्णीम् स्थितः तदनन्तरम् तदाश्वासनार्थम् उद्धवः उवाच इत्याह अथेति। भगवत्प्रिया श्री राधा के वाक्यामृत का पान करने में परम आसक्त उद्धव जी कुछ भी उत्तर देने में समर्थ नहीं थे, उनको समझाने में समर्थ नहीं थे और उनके प्रेम के अतिरेक को विकास को देखकर अति चकित हृदय थे और मन में ही हाहाकार कर रहे थे और अन्य गोपियां भी कृष्ण प्रिया श्री राधा के इस प्रेम विकार को सुन रही थी, देख रही थी। अतः सब चित्रवत तुष्णी चुप थी। इसके बाद उद्धव जी उन सब को श्री राधा और समस्त गोपियों को आश्वासन देने के लिए इस प्रकार बोले। उद्धव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी इस तरह कहते एवं एवं का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकारम अननुभूत पूर्व प्रेम विज्ञापितम साक्षात परंपरा परंपरा अप्यश्रुत चरम प्रेम वचनम नाम लोकोत्तर प्रेमाक्रांता नाम उपालम्भ वाक्यानि आकरण एवं इस प्रकार जैसे उद्धव जी ने कभी सुना भी नहीं था, कोई अनुभव नहीं था कि प्रेम इतना ऊंचे स्तर पर भी हो सकता है और प्रेम के कारण मन वाणी आदि की यह दशा हो सकती है या शरीर की यह दशा हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रेम को निशम्य कृष्ण विरह व्याकुल मानसा नाम लोकोत्तर प्रेमक्रांता नाम उपालम्भ वाक्यानि निशम्य सुनकर उद्धव अथ सादृश प्रेम विकार शांते अनंतर वे प्रतीक्षा कर रहे थे और जब उस प्रकार का प्रेम विकार शांत हुआ थोड़ा गोपियों का तो उनको अवसर मिला उद्धव जी को। अथ इसीलिए शब्द दिया गया। तादृश प्रेम वैकल्योदय सद्य किंचिदपि वक्तुम अयोग्यत्वात् पश्चात् आरंभम कृतवान् इत्यर्थ। उसमें कुछ नहीं बोल पाए, बाद में जब गोपियों का प्रेम भाव थोड़ा सा शिथिल हुआ शांत हुआ विकार तब बोलने का अवसर लिया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अर्थ शब्द का प्रयोग कर प्रिय संदेश ही प्रियस्य कृष्णस्य संदेश ही सांत्वयन सांत्वयितुम यहाँ सांत्वन का अर्थ है सांत्वना देते हैं ना, इस सांत्वना देने के लिए कृष्ण दर्शन लालसा गोपी ही इदम अभासत। कृष्ण दर्शन लालसा गोपी यह बहुवचन द्वितीय में है। कृष्ण दर्शन सुखा गोपी ही गोपी गोप पराधीना तत्र मथुरां गंतुम असक्ता यद्वा गोपस्य कृष्णस्य इमा गोप दर्शन अभिलाषा
इमा गोप दर्शना भी लस्य नतु जदुपति कृष्ण दर्शन लाल। गोपी शब्द कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये गोप भेष में कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, जदुपति के रूप में दर्शन नहीं करना चाहते थे, ये गोपी हैं। तो कृष्ण दर्शन की लालसा से व्याकुल थे, तो उनको इदम अभास पर इस प्रकार उद्धव जी कहने लगे। वास्तव में भ्रमर गीत कब चालू हो रहा है इसका कोई और छोर नहीं है, कहां से चालू, पहले से ही भ्रमर गीत चल रहा है। अब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश जो भी कहा गया है निर्गुण ब्रह्म का जो कुछ भी, उद्धव जी वास्तव में यही बोले हैं। आप सुनिएगा कि क्या बोले हैं। पहले तो गोपी जनों की प्रशंसा किए, उनके भाग्य की श्लाघा किए, और यह भी उनको सांत्वना देने का इनका एक तरीका था, एक विधि थी कि आप अपने को हीन न समझें, आप तो सबसे अधिक धन्य जन है इस संसार में, सब मिला करके कृष्ण से प्रेम करना यही जीवन की सफलता है और इसमें आप सब सिद्ध हो गई है, जीवन की सफलता आपको मिल चुकी है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, संतोष करना चाहिए, सुख से रहना चाहिए। उद्धव उवाच, अहो यूयम् स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितम् मनः। अहो आश्चर्यम् हर्षम् वा, अहो यासाम जिन गोपियों का वासुदेवे भगवती सर्वाश्रय सर्वांशिनी भगवान में, स्वयं भगवान में इति इस प्रकार से इत्थम प्रकारेण महाप्रेम प्रकारेण मन अर्पितम मन निहित है समर्पित है, ताह यूयम ऐसी आप स्म निश्चितम पूर्णार्थ पूर्ण अर्थ जासम ता अर्थात साकल्यन समसिद्धा अर्थ सर्वासाध पदार्थ जासम तथा भूत यूयम न तु लक्ष्मीदय अतव इति श्री राधाद्य। आप ही पूर्णार्थ हैं, जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहिए, जो लक्ष्य है वो आप लोगों को मिला है, आप सिद्ध हैं, अतः भवत्यः लोक पूजिता। चतुर्दश भुवन में जितने भी जीव हैं, लोक हैं, देवता दानव मनुष्य सभी, सबके द्वारा आप पूज्य हैं। पूजिता शब्द जैसे भूतकाल में लगा रहे हैं, आप पूजित हैं, इसका अर्थ है कि पूज्य होंगी, यह भाव आप पूज्य हैं सबके द्वारा। लोकेशु पूजिता कि वह लोका नाम चतुर्दश भुवना नाम सर्व जीवा नाम व पूजिता पूज्या इत्यर्थ। इस प्रकार उद्धव जी सबसे पहले गोपियों की प्रशंसा है। गोपियां क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं कि श्री कृष्ण में गोपियों का मन अर्पित है। यह प्रश्न होगा कि छठी विभक्ति क्यों लगाई गई है, तृतीया क्यों नहीं लगाई गई, या भी मन कृष्ण इत्थम अर्पितम कहना चाहिए था, एवं अर्पितम, जासम क्यों कहा गया, जिनका मन वासुदेव में भगवान में इस प्रकार अर्पित, ऐसे लगता है कि अर्पित करने वाली गोपियां हैं मन को, तो तृतीया विभक्ति लगनी चाहिए, या भी जिनके द्वारा मन अर्पित हुआ, लेकिन जासम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके द्वारा ये भाव व्यक्त कर रहे हैं उद्धव जी कि आप लोगों ने प्रयास करके साधना करके अपने मन को कृष्ण में अर्पित नहीं किया, आपका मन अर्पित है, आपके द्वारा आपका मन अर्पित नहीं है, मन अपने आप आकृष्ट होकर के भाग गया कृष्ण में, अर्पण क्या करना है। थोड़े थोड़े संस्कृत के नियम के अनुसार उक्ति समझ में आ जाएगी।
तो कोई कहा जाए उसने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो अर्पित तो किया, इसका मतलब कहीं मन भाग रहा था, इधर से उधर से इकट्ठा किया, वो जोर लगा करके कुछ अर्पित किया। लेकिन गोपियां इस तरह से अर्पित नहीं की, उनका मन उनसे भी स्वतंत्र होकर अपने आप जाकर भाग कर लग गया था कभी का। इसीलिए कहते हैं वासुदेव भगवती जासम इति अर्पितम मन, इति का अर्थ इतम प्रकारेण, महाप्रेम प्रकारेण, कृष्ण में मन अर्पण हो जाना किसी का यही जीवन की सफलता है, और वो भी इतम प्रकारेण, इस तरह से मन अर्पित, तो निश्चित आप सबसे श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं आप। भगवान में मन अर्पण करना है, करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ विधि होती है कैसे अर्पण करना है। प्रेम से उनके रूप गुण लीला माधुर्य पर लुब्ध होकर मन चला गया, ये मन अर्पण है। भगवान को कोई धन अर्पण करे और अर्पण करे, लेकिन मन अर्पण नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मन देना चाहिए, गीता में मांगते हैं कि मये व मना धत्स्व, मुझमें ही अपने मन को सम्यक रूप से धत्स्व, आ धत्स्व, आ का अर्थ है सम्यक पूर्णत, पूरा पूरा अपने मन को मुझमें धत्स्व धर दो, फिर इधर उधर ना जाए। मये व मना धत्स्व का भी अर्थ है कि एकदम रख दो, अब कहीं इस मन से दूसरा काम नहीं लेना, हमारे पास रख। तो वासुदेव भगवती जासम इत्यर्पितम मन, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान बोल रहा है। विद्वान क्या कहेंगे, भगवान ने उद्धव जी के लिए कई बार कहा है कि उद्धव में और मुझमें किंचित मात्र भेद नहीं है, उद्धव मुझसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है, भागवत अपने श्रीमुख से कहा है। तो ऐसे उद्धव आज गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। इस संसार में इस सिद्धांत को बताना बहुत आवश्यक है कि किसने कितना भगवान के प्रति प्रेम किया, कैसे प्रेम किया, क्या छोड़कर प्रेम किया। यदि ये लाइन बनाई जाएगी, अगर लिस्ट बनाया जाएगा, तो देखना होगा कि किसने भगवान से प्रेम करके सिखाया जगत को ऐसे करना चाहिए, तो उसमें गोपियां सिरमौर पर होंगी, इनसे सीखा जाता है। इसीलिए स्वयं भगवान भी आए उनके प्रेम को बताने के लिए संसार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलव समर्पित तुम उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम, उज्ज्वल रसांश इसी को कहते हैं, उज्ज्वल रस, इसको प्रेम कहा जाता है। तो गोपियों के आचरण से लोगों ने सीखा, तो लोगों का बहुत बड़ा उपकार हुआ है इससे, और समस्त लोकों में आप पूजित होंगे, आप पूज्य होंगे निश्चित, भवत्यो लोक पूजिता। एक ही श्लोक में यूयम और भवत्य दो शब्द क्यों दे रहे हैं, इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं यूयम इति प्राक प्रहर्षोदयन, बहुत हर्ष हो रहा है उनके भाव को देख करके, इसीलिए तुम कहे, तुम लोग धन्य हो, और बाद में भक्ति से भवत्य आप लोग कह रहे हैं। पहले हर्ष हुआ तो हर्ष में तुम कहे, तुम लोग धन्य हो, और भक्ति बढ़ गई इनके भाव को देख करके, तब भवत्य कह रहे आप। एक ही श्लोक में दो बात कहें, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती जासाम इत्यर्पितम मनः। अपने जीवन में हम लोगों को देखना चाहिए कि हम अपना मन कितना अर्पित किए हैं भगवान को, बहुत जोर लगाने के बाद भी मन नहीं जा रहा है भगवान, अर्पित की तो बात ही नहीं, अर्पित नहीं ये कहते हैं कि कुछ देर रहो भगवान में बाद में लौट आओ, कोई बात नहीं, लेकिन उतना भी नहीं जाता है, जाना चाहता ही नहीं।
संसार के लोगों का मन संसार में अर्पित है और अर्पित क्या अनजान में ही मन चला ही जाता है, रहता ही रम रहा है। जो गोपियों का मन भगवान में रमा हुआ है उसी तरह से संसारिक लोगों का मन संसार में रमा रहता है। जैसा नित्य अर्पितम मन, तो कृष्ण में मन समर्पण मनोर्पण ही जीवन की समसिद्धि है, यही फाइनल गोल उद्देश्य है। इस प्रकार से कृष्ण में मन का अर्पण धन्य है। आप पूर्णार्थ जिनका अर्थ जिनका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है सिद्ध हो चुका है वे है पूर्णार्थ। तो आप क्यों दुखी हो रही हैं? रोना तो उसको चाहिए जिसका मन भगवान में नहीं गया। आप क्यों दुखी हो रही हैं? आप तो धन्य है। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है यह। वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितम मनः। नंद नंदन परम सुंदर श्री कृष्ण में भगवान का अर्थ है यहाँ परम परम सुंदर, और वसुदेव का अर्थ है नंद नंदन। नंद जी भी वसुओं में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उनको वसुदेव कहा, और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव। यहाँ वासुदेव अर्थ है वसुदेव जी के पुत्र के रूप में नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनमें इनका मन अर्पित नहीं था, इनका मन नंद नंदन में अर्पित। मुस्कनी मेरे सर्वस लय गए नंद किशोर। नंद किशोर में इस प्रकार का मन आप लोगों ने अर्पण किया है, वो धन्य है। आप धन्य, आप ही धन्य नहीं है, आपके बारे में जो लोग सुनेंगे वे भी धन्य हो जाएंगे। सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का है कृष्ण में मन का समर्पण। भगवान गीता में कई बार इस बात को कहे हैं। एक बार कहते हैं लास्ट में गीता समाप्त करते समय मन मना भाव मुझमें मन रखो और मत चित्ता, चित और मन एक ही है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधे अंतः परस मैया सक्त मना पार्थ। कई बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए। मन तो अर्पण और लोग भी करते हैं भगवान को लेकिन हो नहीं पाता है। जोर लगा करके मन को अर्पण किए तब तो उधर से भाग आता है। जैसे पानी में आप, जैसे हम लोग पहले करते थे गोजी डंडा, पानी में जोर लगा कर ऐसे मारते थे तो फिर बल से पानी से ऊपर फेंक देता था, डंडा ऊपर आ जाता है। तो कभी जोर लगाकर भगवान ने किए भी तो भाग करके फिर सोना है। गोपियों का मन ऐसा अर्पित था कि उधर से लौट ही नहीं रहा था, नहीं लौट सकते। <गोबा। laughs> और जल से बड़े जोर से भागता है इधर। ये प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए बाहर के लोगों को। <आए? हाँ>। तो अर्पित हो नहीं पाता है। मंगला आरती में आदि में अर्पित भी हुआ तो बस 9 बजते फिर निकल कर आ गया आपने। तो इस तरह से आप लोग इति शब्द का अर्थ इत्थम प्रकारेण महाप्रेम प्रकारेण। भगवान में मन अर्पण करने का अर्थ है कि उनके गुण पर लुब्ध हो जाए मन, और उधर से कितना भी मनावे माने ही नहीं। उधर मन नहीं हाथ हमारे, उधर ये मन मधुकर ये मन बिगड़ी पड़े, ये बिगड़ गए उधर से हटते ही नहीं। हम कहती हैं कि देखो उद्धव जी इतना बहुमूल्य जोग लाए हैं थोड़ा सुन लो, तो कहते ना। हम मुस्कान देखे कृष्ण का कि इसका 20 जैसा उपदेश सुने, तो मन आ ही नहीं रहा। और उद्धव जी सामने हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं कि अब कृष्ण आएंगे तो हम महावर नहीं लगाएंगे, अब हम उनके कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे, उनको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगे, टेढ़ा खड़ा होकर के नहीं करेंगे। उद्धव जी की बात को कुछ सुनी ही नहीं क्योंकि उनका मन तो प्यारे श्याम सुंदर में था।
ये इस प्रकार से मन अर्पित किया और उद्धव जिसके साक्षी। तो इस पर एक प्रश्न हो सकता है, ननु श्री कृष्ण प्राप्त पुरार्थता से आप न तो मनोअर्पण मात्र तब तत्रा। अगर गोपियां कहें कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तब माना जाएगा कि हम लोग पूर्णार्थ हैं, संसिद्ध हैं। केवल कृष्ण में मन अर्पण कर देना ये कौन सी सफलता है? तो उद्धव जी कहते हैं, इस सिद्धांत बता रहे हैं, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयो भी विविधान्य कृष्णे भक्ति ही साध्यते। जो वेदों में शास्त्रों में उपाय लिखे गए हैं श्रेय प्राप्ति के लिए, विविध ही श्रेय च अन्य श्रेयो भी श्रेय, हमारा हित करने वाले जो भी साधन है और उनका वर्णन वेदों में किया गया है, उनमें है दान, पहला है दान। दान का अर्थ है दानम विष्णु वैष्णव संप्रदानकम, विष्णु को और वैष्णवों को कुछ देना, इसको दान कहा गया। विष्णु दान के महापात्र हैं और उसके बाद हैं वैष्णव, उनके भक्त, तो उनको कुछ देना इसको दान कहते हैं। अच्छा, व्रतम एकादश्यादिकम स्वधर्म पालन तप स्वधर्म, दान दिया जाता है, दान व्रत एकादशी आदि करना, तप स्वधर्म का पालन और होम विविध यज्ञ स्वाध्याय वेदों का पठ पढ़ना और संयम इंद्रिय निग्रह मन पर नियंत्रण और भी अन्य जो विविध श्रेय हैं कल्याणकारी साधन, तो इनके द्वारा साध्य क्या है? कृष्णे भक्ति ही निर्विवाद निश्चित। इन सब श्रेय साधनों का दूसरा लाभ नहीं है, इन सब साधनों के द्वारा साध्य है कृष्ण की भक्ति। तो आप लोगों को सहज ही कृष्ण भक्ति प्राप्त है, प्रेमा भक्ति प्राप्त है। जब कृष्ण में सामान्य भक्ति भी प्राप्त हो जाती है तो माना जाता है कि ये सब साधन सफल हो गए। तो जो साधनों से किया जाता है वो तो मन वह कृष्ण की भक्ति आप लोगों के हृदय में है सब तरह से, तो इसलिए आप पूर्णार्थ हैं। साध्य और अर्थ दोनों एक ही हुआ, साध्यते, इन सब साधनों के द्वारा भक्ति प्राप्त की जाती है। अन्य ही विविध है, योग सांख ज्ञानादि भी वापी कूप तड़ागादि रामादि निर्माण प्रमुख है, ये प्राय आवश्यकत्वात् सर्व कर्म श्रेष्ठ या लोके प्रसिद्धत्वात्, समस्त लोकों में सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म के रूप में यही प्रसिद्ध है, दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम। परंतु इन सबके द्वारा साध्य है भगवान कृष्ण में भक्ति, श्रेयो भी श्रेयांसी ज्ञान साधना नित्य अन्य च अन्य मोक्षादय विविध इति प्रत्येकम सर्वेशम विशेषण, विविध ही सब में लगेगा, विविध ही दान ही विविध ही व्रत ही विविध ही तपो भी विविध ही होम ही विविध ही जप ही विविध ही स्वाध्याय विविध ही संयम ही। वेद पढ़ने के तरीका भी है तो बहुत बहुत है, विविध प्रकार से पढ़ा जाता है, विविध प्रकार से दान दिया जाता है। तो जहां लगी साधन वेद बखानी सबकर फल हरि भगति भवानी, तीर्थाटन साधन समुदाय ज्ञान विराट। तो जहां लगी साधन वेद बखानी, जितने भी साधनों का वेद वर्णन किया है सबका फल है हरिभक्ति, सबकर फल हरिभक्ति भगवान। तो वह फल आप लोगों को प्राप्त है, इसलिए आपका जीवन धन्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है, करना चाहिए दान व्रत तप सब कुछ, लेकिन मीटर देखना चाहिए, बता रहा है कृष्ण भक्ति उसके कारण हो रही है कि नहीं, और नहीं स्वधर्म पालन किए, तप किए, जप किए, मन में भावना बनी हुई है कि मैं तो बहुत तपस्वी हूं, मैं तो बहुत जप करता हूं
और सब करता हूं और कृष्ण में भक्ति हो ही नहीं। भक्ति का मतलब कृष्ण का जो जप हो, कृष्ण में मन लगे, कृष्ण में प्रेम बढ़े, तब वो तप ठीक तप है। और नहीं जाड़े में खड़ा हो जाए आदमी नदी में या कंठ ठंडा में और एक भी नाम न ले, तो उस तरह से तो नीलगाय आदि भी खड़े रहते हैं रात दिन, तो उससे क्या फायदा है। ये विविध श्रेय हैं तो इनके द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि वही दान, वही तप, वही जप करना चाहिए जिससे भगवान में मन लगे। जपने के लिए बहुत बहुत मंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मंत्र जपेंगे बस भगवान में मन लग जाएगा, नहीं। भिन्न भिन्न मंत्र हैं भिन्न भिन्न साध्य की प्राप्ति के लिए। और वास्तविक जो जप है वेदों में दिया गया है वो कृष्ण में भक्ति पैदा करने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं। ये महामंत्र का जो जप है कृष्ण में भक्ति पैदा करने के लिए, जप खुद एक भक्ति है, जप करना स्वयं एक भक्ति है, भक्ति के 9 अंगों में है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं विष्णु में अर्पित करके जब भक्ति की जाएगी तब भक्ति है, सबसे बेस्ट अध्ययन है। चेत अर्पिता, अर्पिता का अर्थ है विष्णु में आसक्त होकर, मैया आसक्त मना पार्थ है जोगम जंजन मदाश्रय, मुझे आसक्त होकर के जो भक्ति की जाती है वो भक्ति है। भक्ति हृदय का धर्म है, गुण है, इसलिए हम मन अर्पण से चली है ये बात। तो इन सब साधनों के द्वारा कृष्ण में मन अर्पण ही साध्य है। भगवतुत्तम श्लोके भवती भीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। भक्ति प्रवर्तन रीति में वह स्पष्ट है, कैसी भक्ति आप लोगों ने किया है और आपके द्वारा प्रवर्तित भक्ति से लोक का उद्धार होगा, ये दुर्लभ भक्ति है कह रहे हैं। भवती भी सबसे पहले यत जस्मात, क्योंकि यूयम आप लोग पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनान च हित्वा कृष्णाख्यम परम पुरुषम अवृणीत एतद् दिष्ट्या। यह लोक का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, मैं देखा हूं और भी आगे होने वाले भक्तों का बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके द्वारा भक्ति इस तरह प्रवर्तित हुई है। कैसी भक्ति? अनुत्तमा। अनुत्तमा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, जिससे उत्तम और कोई भक्ति नहीं है, वो है अनुत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तमा भक्ति। यदि गोपियों ने इस भक्ति का जानबूझकर तो प्रचार नहीं किया है, लेकिन उद्धव जी के कहने का आशय है कि आपके जीवन से सहज ही ये सुगंध निकल गई, जो भी सुनेगा गाएगा वो अपने आप समझ जाएगा। गोपियों ने प्रचार नहीं किया था, लेकिन अपने आप सारे विश्व में प्रचार है गोपियों की भक्ति का। क्यों सर्वश्रेष्ठ भक्ति है गोपियों की, वो आगे बताते हैं। अपने पुत्र छोड़ा, पति छोड़े, पुत्र का अर्थ है अपने घर के अन्य लोगों के संतान, जो किसी भी गोपी को पुत्र नहीं, सब किशोरी थे। दिष्टया पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनानिच, अपने संबंधियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका पुत्र की तरह पालन करती थी, इसलिए कह दिया गया। तो बच्चों का, पतियों का, यहां तक कि देह का, स्वजनों का और भवन का त्याग करके जो आप लोगों ने कृष्णाख्य कृष्ण संज्ञक परम पुरुष को अवृणीत, आप लोगों के भक्ति के कारण लोक धन्य हो गया। भगवती सर्वनिज स्वर्ग प्रकट के अतः उत्तम श्लोक है तस्मिन कृष्ण मुनीनाम अपि श्री सनकादि नाम अपि दुर्लभा अनुत्तमा सर्वतोपि श्रेष्ठा भक्ति महाप्रेम लक्षणा प्रवर्तिता स्वाचारेण लोकेशु प्रचारिता स्वदर्शन श्रवण प्रभावेण लोकेशु प्रचारिता इति यत एतद् दिष्ट्या। दोनों श्लोक में दिष्ट्या दिष्ट्या शब्द लगा रहे हैं। दिष्ट्या का अर्थ होता है परम सौभाग्य से, परम सौभाग्य से, उसको दीक्षा कहते हैं।
दिष्ट्या दिष्ट्या दो बार पढ़ते मतलब दिष्ट्या 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 भाग्याति भाग्य महाभाग्य अति भाग्य अति भाग्य कुछ भी कह सकते हैं। यदि आप लोगों ने इस तरह का अपना भाव जगत में प्रकट नहीं किया होता तो कौन जानता कि भगवान से ऐसा भी प्रेम किया जाता है। इतना मनोअभिनिवेश गाढ़। और लोग भक्ति करते हैं लेकिन गोपियों ने जितना छोड़ा है त्याग किया है उतना किसी ने नहीं किया है। इसी को उद्धव जी 26वें श्लोक में कहते हैं दृष्ट्या पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनान। आप लोगों ने पुत्रों को छोड़ा मतलब उनका स्नेह छोड़ा। स्नेह त्यागे न साक्षात त्यागे न वा। स्नेह ही नहीं त्यागा है डायरेक्ट सब कुछ छोड़ा है। पतिन और देहान तो देह छोड़कर प्रेम किया कृष्ण से। इसका मतलब देहानाम त्यागस्तत्र नैरपेक्षेण मृतक तुल्यता व्याप्ते है। देह के विषय में कभी सोची ही नहीं कि क्या खाऊंगी क्या पहनूंगी क्या करूंगी इसकी कोई कदर नहीं। आधी रात को कृष्ण कुंज में बुला दिए तो वर्षा हो रही है हाहाकार रहे हैं भूत प्रेत रात में बोल रहे हैं सांप बिच्छू लेकिन चल दिया कृष्ण के पास इसको त्याग कर। और रोक रहे थे स्नेह पैदा कर रहे थे रुको रुको ठहरो लेकिन नहीं रुक छोड़ दिया। तो देह की भी अपेक्षा नहीं रखी। देहान स्वजनान इस संसार में स्वजनों को छोड़ना बड़ा कठिन है लेकिन गोपियों ने स्वजनों को छोड़ा। भवनों को भवन में कितना आराम मिलता है सुख मिलता है लेकिन कृष्ण को सुख देने के लिए भवन छोड़ छोड़कर भींगती हुई रात्रि में कहां कहां घूम चहित्वा अवास्तव बुद्धिया त्यक्तवा परित्यज्य। ये जानती थी कि इन सबके साथ हमारा कोई संबंध नहीं हमारे वास्तविक पति हमारे सर्वस्व कृष्ण है। तो हित्वा का अर्थ है इनको अवास्तव समझकर छोड़ दिया। और कृष्णाख्यम परम पुरुषम कृष्ण नामक परम पुरुष को पुरुष का अर्थ है भर्तृ। जानती थी कृष्ण ही सबके असली पति है। तो ऐसे कृष्ण को आप लोगों ने अवृणीत वास्तव स्वकांततया स्वीकृतवत्या एतद् दिष्ट्या। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है लोगों का मेरा सबका। मुनीनाम अपि दुर्लभा मुनियों को भी जो मुअसर नहीं था मुखावसर कहते मुख को अवसर नहीं मिला वैसा खाने का तो मुनियों के लिए भी दुर्लभा और कहां से किसी को सुलभ होता। ऐसी भक्ति किया गोपियों ने गोपी प्रेम की ध्वजा। सूरदास जी ने लिखा है गोपियां प्रेम की ध्वजा है सर्वोपरि लहरा रहा है। सबने कहा है इस बात। उद्धव जी कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं भगवान कहते हैं सब लोग। और गोपियों के मुख से दिए गए कई गीत भागवत में दिए गए भगवान का उन्होंने वर्णन किया है। सब जगह कई गीत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला गीत उनका है वेणु गीत और वेणु गीत के बाद है प्रणय गीत। प्रणय गीत के बाद है गोपी गीत। गोपी गीत के बाद जुगल गीत। जुगल गीत के बाद विरह गीत। विरह गीत के बाद यह गीत है भ्रमण गीत। सब ने केवल अपने प्रियतम का गुण गाया है। इतनी मात्रा में गीत किसी के मुख से नहीं दिए गए हैं भागवत। इनका अनुभव भागवत में दिव्यास जी लिखने में आनंद का अनुभव करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी इन सारे गीतों को सुनाए थे महाराज परीक्षित। और महाराज परीक्षित तो पूर्ण परम भागवत तो सब समझते थे कि वर्ण कहते दिष्ट्या दिष्ट्या करते सौभाग्य से। किसका सौभाग्य लोका नाम महद भाग्यम इत्यर्थ मम अति भाग्य नर्थ। मेरा भाग्य है लोगों का भाग्य है और भविष्य में जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त होंगे उनका परम भाग्य है। वे सीखेंगे कि भक्ति ऐसे करनी चाहिए तो उनका सबसे बड़ा भाग्य इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो उद्धव जी आगे के लोगों के लिए उस समय वर्तमान जो लोग थे भक्त खास करके उनके लिए भाग्य की बात बता रहे हैं।
ये और सामान्य जनता तो नहीं समझ पाएगी गोपी जनों को, लेकिन भक्त समझ जाएंगे और इस भक्ति की वे कामना करेंगे, रागानुगा भक्ति की कामना करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। सर्वात्म भावोधिकृतो भवति नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महानेनुग्रह कृतः ननु तरहि तेन सह विजोगः न स्यात्। सत्यं सतु भक्तेरेव उत्कर्ष विशेषार्थम भक्तेरेव उत्कर्ष विशेषार्थम इत्याह। गोपिया कहते हैं उद्धव जी, हमने भगवान को कृष्ण को वरण किया अपने पति के रूप में, यदि वे हम पर प्रसन्न होते तो उनके साथ हमारा वियोग नहीं होता, तो सब करके क्या हुआ कि वे हम पर खुश नहीं है, हम वियोग की आग में जल रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं यह वियोग भी हुआ है भक्ति का उत्कर्ष करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए हुआ है। चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं ननु वयम धर्मम त्यक्त्वा जत पर पुरुषम कृतवत्य तत्र भवतः किम भाग्यम अभूत। हमने धर्म को छोड़ करके पर पुरुष को ग्रहण किया है तो इसमें आपका क्या भाग्य हो गया। तो उद्धव जी इसका उत्तर देते हैं, हे महाभागा सर्व प्रिय जनेभ्यो जीयम धन्यतमा। भगवान के जितने भी प्रिय जन हैं होंगे हो चुके हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आप लोग। भवती नाम अधोक्षजे सर्वात्म भाव अधिकृत। आप लोगों के द्वारा भगवान अधोक्षज में जो इंद्रिय वृत्ति से अगोचर हैं उनमें सर्वात्मना परिपूर्णत्व यो भाव महाभाव तत् अधिकृत। सर्वात्म भाव मतलब महाभाव, जो सब प्रकार से पूर्ण है जो भाव उसको सर्वात्म भाव कहते। सर्वात्मना ये भाव सा सर्वात्म भाव महाभाव। और किसने इंद्रियों से परे जो प्रभु हैं उनमें इस तरह से इंद्रियों की आसक्ति देखे ना, उनके रूप के लिए गोपियां मर रही हैं, उधर से कहते हैं लाकर किसी तरह से दिखाओ, किसी तरह से लाओ लाओ भेंट कराओ, देखना चाहती हैं निश दिन बरसत नयन हमारे। और वे इंद्रियों से आप गोचर हैं, इंद्रियों से परे प्रभु में इस तरह इंद्रियों की व्याकुलता। तो सर्वात्म भाव मतलब महाभाव अधिकृत। अधिकृत का अर्थ है विरहेण अधिकम कृत। एक अर्थ ये है विरह भगवान ने आप लोगों को दिया तो उस महाभाव को अधिक करने के लिए निरंतर तदाविर्भाव कर। यदि विरह नहीं होता तो ये महाभाव बाहर प्रकट नहीं हुआ होता, भीतर ही रह जाता। प्रेम सब भवती भी अधिक्रियते वशीकृत स्थापते वा। और ऐसा भाव अधिकृत का अर्थ है कि आप लोगों का उस पर पूर्ण अधिकार हो, आपके वश में है वो कृष्ण प्रेम। सर्वात्म भाव अधिकृत आपके द्वारा अधिकृत है, अधिकृत क्यों अधिकार विषयीकृत। तो विरहेण में महान अनुग्रह कृत, कृष्ण वियोग से हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। जो मैं दिव्योन्माद चित्र जलपादि महाभाव भेदा दर्शित्व इन सबको दिखाया, मैं देखा आप लोगों में विविध जल्प और महाभाव के भेद। यदि कृष्ण के साथ आपका विरह नहीं हुआ होता और कृष्ण ने कृपा करके मुझे ब्रज में नहीं भेजा होता तो मैं कहां से इसको देख पाता। उधर ये कहने का आशय है कि मैं ब्रह्मांड में सब जगह घूमा हूं, देखा हूं भगवान के एक एक प्रेमियों को, लेकिन ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। यदि विरह नहीं हुआ होता तो हमको भेजे ही नहीं होते समझाने के लिए, और नहीं ब्रज में आया होता वो भी विरह के अवसर पर तो क्या पता चलता। मान लीजिए कृष्ण यहां थे और उस समय मैं आया होता तो कुछ भी नहीं जानता कि आपका इतना प्रेम या इतना भाव भगवान में है। तो विरह के समय जो भगवान ने हमको यहां भेजा ये हम पर बहुत बड़ी कृपा है आपकी और कृष्ण की।
तो विरहेण में महान अनुग्रह करता, विरह से हम पर अनुग्रह किए। महान का क्या अर्थ है? महान अनुग्रह, ईदृशो अद्भुत कोपी महाभाव एको अवश्यम वर्तेत वेति बुद्ध्या चिरम अनुमीय मानो अपदृष्टा सुतत्वात् मादृशान भक्ता नाम विश्वसनीयो यो न स्यात् अधुना तो साक्षात अनुभवेन। ऐसा अद्भुत कोई महाभाव हो सकता है बुद्धि से भी मैं कभी अनुमान नहीं किया था। कि विरह के समय जब मैं यहां आया तो इसको तो आज मैं साक्षात अनुभवेन साक्षात देख रहा हूं। इस प्रकार से किसी कृष्ण प्रेमी को इन भावों से भरा हुआ देखना यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। दृष्टिया शब्द का यह अर्थ है कि इतना धन्य इतना भाग्यवान मैं मथुरा में कृष्ण के साथ रहकर नहीं था जितने यहां आकर के धन्य हुआ। भगवत प्रेम सुख प्रदर्शने न ममैव महान अनुग्रह। ये आप लोगों ने प्रेम क्या विरह क्या हुआ आप लोगों का और महाभाव के विकारों को प्रकट किया कि वास्तव में हम पर अनुग्रह हुआ है। आपने अनजान में ही अनुग्रह किया लेकिन मुझ पर महान अनुग्रह हुआ। और महान का अर्थ है पहले के जितने अनुग्रह भगवान के हैं सब इसके आगे गौर है। वे सब तरह से उद्धव से प्रेम करते हैं लेकिन ब्रज में जो उन्होंने उद्धव को भेजा यह कृष्ण का सबसे बड़ा अनुग्रह उद्धव के प्रति था। उद्धव जी आज इसको रियलाइज कर रहे हैं महान अनुग्रह का। इतना कह करके आश्वासन थोड़ा दे करके एवं आश्वासन किंचित स्वास्थ्यम उपलब्ध वक्तव्य मा अथवा उन्होंने देखा कि हमारे प्रवचन से तनिक भी आश्वासन नहीं है गोपियों को तब भगवान की बात आ गई कि हमारे संदेश से आश्वासन देना तब ये भगवान के संदेश को सुनाने लगे। श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह जमादाया गतो भद्रा अहम भर्तुर हस्करः। इस प्रकार से कर हे भद्रा हे साधव्य हे शुद्ध चरित वाली भगवान में जिसका मन लगा है कुछ भी छोड़ करके तो वही वास्तव में पवित्र हैं। गोपियां ही इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां हैं क्योंकि अपने असली पति को चुनी। हे भद्रा हे परम कल्याणमयी हे परम पवित्र गोपियों सुनो भवती नाम सुखावह प्रिय संदेश श्रीयता परमोत्कंठिता नाम भवती नाम तत्प्राप्तिर निर्धारणात् सुखावह। आप लोगों को सुख का आवह सम्यक जो ढो करके लाएगा ऐसा संदेश सुना जाए सुनिए। ये संदेश आप लोगों को सुख देने के लिए है और आपके प्रिय ने भेजा है प्रिय संदेश प्रियस्य संदेश वार्ता। कैसे सुख होगा आप लोगों को भीतर से भाव है उद्धव जी का तत्प्राप्तिर निर्धारणात् ये संदेश बताएगा उनके आने का निर्धारण। डेट नहीं लिखा गया था लेकिन इस संदेश में भगवत प्राप्ति की निर्धारण की जाएगी कृष्ण मिलेंगे इसलिए आप लोगों को ये सुख देगा। सूर्यतम इसको सुना जाए सूर्यतम शब्द का अर्थ है कुछ गोपियां सिसक रही थी रो रही थी अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी बक रही थी तो सबको सावधान कर रहे हैं कि सुना जाए शांत हो जाए सुनिए प्रिय का संदेश सुने प्रिय का संदेश सुनने लगे तब प्रसन्न हो गई सब शांत सुनने लगे। रो रहे थे आंखों में आंसू आ रहा था लेकिन सुनने लगे। कैसा संदेश यम संदेश हम आदाय गृहित्वा भर्तु रहस्य करह कृष्णस्य रहस्य कार्य करता अहम आगत। जिस संदेश को लेकर मैं यहां आया हूं उसको आप सुने। मैं अपने स्वामी का रहस्य कर रहा हूं रहस्य कर रहा मैंने एकांत रहस्य हमसे उनका कुछ भी छिपा नहीं है। आप लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या लीला किया है सब मुझे बताया है बिल्कुल मैं उनका अंतरंग हूं यही समझिए कि कृष्ण आए हैं। इनके कहने का भाव ये था
श्रीताम प्रेषंद सरस्वत विष्णा इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, कदम जिसको लेकर के मैं आया हूं, जम अन्यथा गोब्रजे तस्य इत्यादिकम अनेना प्रत्युत्तरितम भवती नाम सुखावह, और इसको लेकर के मैं आया हूं, इसके द्वारा इस वाक्य का उत्तर हो गया कि गोपियों ने कहा था कि नंद महाराज और यशोदा के लिए आप आए हैं, कृष्ण ने भेजा है अपने माता पिता के लिए, हम लोग उनके स्मरण का विषय नहीं है। लेकिन उद्धव जी बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए प्रिय ने कुछ संदेश भेजा है, तो उसका उत्तर हो गया। ऐसा कह रहे कि हम उनका अन्यथा तस्य स्मरण ब्रज में, अन्यथा गो ब्रज तस्य स्मरणीय न चक्ष में है। तो उद्धव जी कहते हैं पत्र दिया है उनके अपने हाथ से उन्होंने, आप कहते हैं कि स्मरण नहीं थे, तो ये स्मरण करते हैं, आप लोगों के पास ही मुझे भेजे हैं। और अहम रहस्य कर से भी सिद्ध हो रहा है, माता पिता के पास तो किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन मैं उनका अंतरंग हूं, इसलिए हमको उन्होंने आप लोगों के पास भेजा है। ऐसे उन्होंने कहा कि माता पिता को जाकर के सुखी करो, लेकिन भेजा है आप लोगों के पास। जम आदाय उसी पत्र को लेकर के मैं आया हूं, मुख्य प्रयोजन यह ध्वनित हो रहा है, मैं उसी पत्र को लेकर आया हूं, आपके प्रिय ने आपको संदेश भेजा है। तत्र च रहस्य करह इति आत्मनः परम तत्व न तत्संदेश आदान योग्यत्व, मैं उनका रहस्यकर हूं, रहस्य कार्य करता हूं, इसके द्वारा उद्धव यह बता रहे हैं कि मैं उनका बिल्कुल अपना हूं और इसलिए संदेश दान के योग्य हूं, तथा संदेश से गोप्यत्वम च ध्वनितम, और मैं उनका रहस्य कार्य करता हूं, इसके द्वारा यह सिद्ध हो गया कि ये संदेश जो है वो गोप्य है, क्योंकि कृष्ण का रहस्य कार्य करता पत्र लेकर आया है, तो रहस्यमय पत्र है, गोप्य पत्र है। किंच भद्र हे साधव्य की तासा नति तत्संदेशिक पात्रत्व, आप लोग ही सदाचारिणी हैं, इसलिए संदेश का पात्र है, तथा संदेश भद्रम आदरार्थम सूचते हैं, और संदेश भी भद्र करेगा, कल्याण करेगा। अत्र पक्ष श्रीयता नीति तासाम विरह वय कल्याण लेख वाचना शक्ति, ये प्रश्न होता है कि उद्धव जी ने ये क्यों कहा कि श्रीयता, उनको देख कर नहीं दिया पढ़ने के लिए, डाकिया किसी का पत्र लाएगा तो कहेगा कि सुनिए आपका पत्र आया है, कि दे देगा, तो उद्धव जी ने दिया क्यों नहीं, क्यों कहते हैं कि श्रीयतम सुना जाए। इस पर कहते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीयतम की तासम विरह वैकल्य न लेख वाचना शक्ति, इतनी विरह से व्याकुल थी, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे कि लेख को बांच नहीं सकती थी, पत्र जो लिखा गया था उसको बांचने की पढ़ने की शक्ति नहीं थी। किंवा प्रबहद अश्रु धारया लेख लोपम संभाव्य पत्रम न दत्तवान, अथवा उद्धव जी ने ही नहीं दिया पत्र, क्योंकि देख रहे थे कि आंखों से प्रबहद अश्रु धारे चल रही है, तो पत्र पर गिर जाएगा लोर और सब लेख लोप हो जाए, तो इसलिए वो दिए नहीं, स्वाभाविक है वास्तव में, क्यों दें, तो शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम, ऐसा नहीं पत्र दे दें और बस एक लाइन पढ़ने में ही सारा पता ही न चले क्या, आश्रु गिर करके पत्र भी गल जाए, लेटर सब खराब हो। कि वह प्रबहद अश्रु धारे लेख लोपम संभाव्य पत्रम केवलम दर्शयित्वा, पत्र को दिखाए, ऊपर जो लिखे थे कृष्ण उनका पता श्री राधा आदि का कुछ, तो उससे उन्होंने देख लिया हाँ कृष्ण का अक्षर है पहचान के, तो तब इसके बाद तन मुद्रा उन्मुच्य, तो पत्र का सील तोड़ करके उनके सामने और स्वयं एवं अवाच्य की भाव स्वयं बांचने लगे, एवं पूर्वोक्तम बुद्धि सत्तमत्व तथा बृहस्पति शिष्य तया वाग्मित्व आदिकम च दर्शित, यहां पर ये
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। पत्र पढ़ाने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं, पत्र को बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए श्रूयता हम कहने तो कहते कि गृहण पक्षता पढ़ लीजिए, इसको लीजिए और पढ़ लीजिए, तो श्रूयता हम कह। तो अब उद्धव जी बांच रहे हैं तो श्री भगवान वाच, यहां तक तो उद्धव का वाक्य है। श्री भगवान उवाच, पत्र में नहीं लिखा गया था। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने लिखा है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूते सुखं वा यज्ञिर्जलं मही तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाशयः भूतेन्द्रिय गुणाशयः आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजे हन्यनुपालये आत्मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिर्माया वृत्तिभिरीयते जनेन्द्रियार्थं ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुद्ध्याद् इन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम् त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्तायिवापगः यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियदृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया यथा दूरचरे पृष्ठे मनया विश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्ष गोचरे मय्या वेश्य मनः कृतस्नं विमुक्ता शेष वृत्तिजात् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपश्यथ या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रजया स्थितः अलब्धरासः कल्याण्यो मापुर्मद्विर्जचिन्तया। सुनु गोपी हरि को संदेश, सुनु गोपी हरि को संदेश, करि समाधि अंतर्गति चितवो, करि समाधि अंतर्गति चितवो, प्रभु को यह उपदेश। वै अभिगत अविनाशी पूरन घट घट रहे समाय तिहि निश्चय कै ध्यावहु सुचित कमल मन लाय। वै अभिगत अविनाशी पूरन घट घट रहे समाय अभिगत अविनाशी पूरन घट घट रहे समाय तिहि निश्चय कै ध्यावहु सुचित कमल मन लाय तिहि निश्चय कै ध्यावहु सुचित कमल मन लाय यह उपाय करि विरहत जोगी मिलय ब्रह्म तब आय। इस तरह से ध्यान करो, तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय सुनत संदेश दुसह माधव के गोपी जन बिलखानी सूर बिरह की कौन चलावे नैन धरत अति पानी। सूरदास जी कहते हैं कि जो बिरह कौन बात करे, वो दुख तो था ही, प्रियतम का पत्र पढ़ करके नेत्रों से और अधिक पानी बहने लगा।
सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी कान सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी कान को थहरानी को था नहीं थी रानी है को कह रतन कर रिसानी बार रानी को कह रतन कर रिसानी बार रानी को कह रतन कर रिसानी बार रानी को कह रतन कर खानी भी कलानी भी थकानी है को भी लखानी भी कलानी भी थकानी है वो दसानी को भरी दीर्घ पानी रही को दसानी को भरी दीर्घ पानी रही को घूमी घूमी परी भूमि मोर जानी है घूमी घूमी परी भूमि मोर जानी है को श्याम श्याम कै बह की बिल लानी को श्याम श्याम माला करे जो थानी स्वामी सुखानी है को माला करे जो थानी स्वामी सुखानी है को माला करे जो थानी स्वामी सुखानी है को माला करे जो ने जो उपदेश दिया और कृष्ण का पत्र पढ़ा इसे श्री गोपांगनाओं को ऐसी पीड़ा हुई जिसका वर्णन करना असंभव है। श्री गोपियों के कानों में यह उपदेश कोटि कोटि कालकूट विष से भी अधिक दाह उत्पन्न कर दिया। श्री गोपीजनों के मन में प्रियतम श्याम सुंदर के आगमन की जो दृढ़ आशा थी वह ध्वस्त हो गई। गोपियों की उस दशा का वर्णन करते हुए भक्त रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव की बात सुनकर कोई कोई गोपी शोक से बिल्कुल विह्वल हो गई, कांपने लगी, कोई कोई गोपी स्तंभित रह गए, कोई कोई गोपी जैसे श्री राधा श्याम सुंदर पर क्रुद्ध हो गई, अर्थात मान करके बैठ गई कि अब कृष्ण से कोई संबंध नहीं रखूंगी। कोई कोई गोपी विलाप करते हुए रोने लगी, कोई छटपटाने लगी, कोई गोपी अपने सिर को और वक्षस्थल को हाथ से पीटने लगी और कोई गोपी चक्कर काटती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी भूमि पर, कोई कोई गोपी वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई, अर्थात कुछ बोल नहीं पाई, किसी किसी के शरीर में पसीना निकल आया, किसी किसी के आंखों में आंसू उमड़ उमड़ कर बहने लगे, कोई कोई गोपी श्याम सुंदर जोर से बोलने लगी, कोई आत्महत्या का प्रयास करने लगी और कोई कोई गोपी अपने कोमल कलेजे को अपने करकमल से पकड़कर सहम गई। सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी कान सुनी सुनी उद्धव की थहरानी को था नहीं थी रानी है को थहरानी को था नहीं थी रानी है कह रतन कर रिसानी बार
रानी को भूख है रचन है रतन कर रिसानी बार रानी को कह रतन कर रिसानी बार रानी को बिल खानी बिकलानी बिथकानी है को बिल खानी बिक से दसानी को भरी दीर्घ पानी रही को से दसानी को भरी दीर्घ पानी रही को घूमी घूमी परी भूमि मोर जानी है श्याम श्याम कह बह की बिल लानी को श्याम श्याम कह की बिल लानी को माला करे जो थानी सामी सुखानी है को माला करे जो थानी वाच एवं प्रियतमादिष्टं आकर्ण्य ब्रज ज्योषितः तावुचुरुद्धवं प्रीतः तत्संदेशागता स्मृतिः गोप्या ऊचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो जदूनां सानुगोघकृत् दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुसल्यास्ते चितोऽधुना कच्चिद् गदाग्रजः सौम्या करोति पुर्योषिता प्रीतिं नः स्निग्ध सव्रीडा हासोदारे क्षणार्चितः कथं रतिविशेषज्ञः कथं रतिविशेषज्ञः वरश्च वर्योषितां प्रियश्च वर्योषितां नानुबद्धेत तद्वाक्यैः विभ्रमैश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्यः स्वैरकथान्तरे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उद्धव जी ने भगवान का संदेश जो पत्र के रूप में था पढ़ा तब गोपियों की क्या दशा हुई। एवं प्रियतमादिष्टं आकर्ण्य ब्रजयोषितः ताऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृतिः। अपने प्रियतम के मुख से पत्र में यह सुनकर कि जो सखियां रासलीला के समय अपने अपने घरों में बंद कर दी गई थी और जिनका देह छूट गया तो वे कृष्ण के पास हैं, यह संदेश आया तो इसे सुन करके उनको सुख हुआ। ऐसी गोपियां फिर उद्धव जी से इस प्रकार बोली। बहुत गंभीर प्रसंग है। अथ आगत स्मृति तया किम चिदाश्वास युक्ता नाम
पुनः अनुनसंगतम प्रकट प्रकाशतया जात विरह स्फूर्तिनाम वाक्यानि पीतुम आ। उद्धव के संदेश को, प्रियतम कृष्ण के संदेश को सुन करके कुछ संतोष हुआ, जो कारण पहले कहा गया, लेकिन पुनः विरह का दुख बढ़ गया। तो उसमें से अति विरह से तप्त गोपीजनों का वाक्य यहां दिया जा रहा है, गोप्या उचु बहुवचन है। अहो अस्माकम निज सुखेन, अस्माकम अस्माकम निज सुखे न सिद्धे न सिद्धे नई वाक्यम। गोपियों ने सोचा कि प्रियतम हमें सुख देने के लिए पत्र लिखे हैं, तो हमारे अपने सुख या दुख से क्या मतलब है, हमारा सुख है सिद्ध हो या न हो, इससे हमें क्या तात्पर्य है। तस्या सुखम एवं अस्माकम सर्व मंगलम इतभिप्रायण आदौ तदभिनंदन्ति। प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है, हमें भले सुख न हो लेकिन उनको सुख होना चाहिए, यह भाव आया अनुकूल। हमारे प्रियतम का द्वेषी या जादवों का द्वेषी, जो हमारे प्रियतम के प्रेमी हैं जादव, उनका अहित मार दिया गया, उनको दुख दे रहा था, जादवों को दुख दे रहा था कंस, तो अपने अनुचरों के साथ मार दिया गया, बहुत खुशी की बात। तो सबसे पहले अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के कुशलता की कामना कर रही हैं, और इस बात से उन्हें आनंद आ रहा है कि यादवों का बैरी, उनको दुख देने वाला कंस मर गया, प्रीतम को सुख हुआ इससे तो खुश है। अन्यथा भी मथुरा में रहते और कंस भी रहता तो इनके हृदय में बहुत प्रकार की बेचैनी होती कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, वो वसुदेव जी का बैरी है और कृष्ण गए हैं, वसुदेव जी के ये प्रेमी हैं, हमने सुना है कि वसुदेव जी इनको पुत्र जैसा मानते हैं, तो यदि कंस जीवित रहता तो इन पर भी विपत्ति आ सकती है कृष्ण पर। सबसे पहले इसी का अभिनंदन कर रहे हैं कि कृष्ण का चला गया, यादवों का कष्ट चला गया, मतलब इससे कृष्ण सुखी होंगे। जदूनाम अहित अघकृत दुखकृत, अघ का अर्थ दुख, जदूनाम दुखकृत सानुग अनुचर सहित कंस हत, कंस मार दिया गया। दृष्टिया भाग्येन अयम अस्माकम महान आनंद इत्यर्थ, इसमें हमारा सुख है, बहुत अच्छा लग रहा है, यही भाग रहे हैं। दूसरा वाक्य बोल रही हैं, दृष्टाप्तेर लब्ध सर्वार्थे कुशल्यास्ते चितोधुना। दृष्टि भाग्य न एवं हमारा परम भाग्य है, बहुत अच्छा हुआ कि लब्ध सर्वार्थ ही आपते ही अच्युत कुशली अस्त, अपने आपतों के साथ अच्युत कुशली अस्त है ना, जो संबंध से प्राप्त होते हैं, जन्म से नहीं, उनको प्राप्त या आप्त कहते हैं, जो स्नेह से बंध गए हैं कृष्ण से, मथुरा के वृष्णी वंशी जादव और संबंधी, तो वे अब सब मथुरा लौट आए हैं और लब्ध सर्वार्थ है, उनको सारा पुरुषार्थ मिल गया है, सब कुछ उनका धन घर सब मिल गया है, सुख से रह रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अर्थ तो उनका यह सध गया कि श्री कृष्ण उनके बीच बैठते हैं और वे सब दर्शन करके सुखी होते हैं, तो सारा अर्थ उनका मिल गया। ऐसे अपने बंधुओं अपने मित्रों के साथ संबंधियों के साथ अच्युत कुशली आस्ते, कुशल से है ना, अच्युत कह करके यह सिद्ध कर रही हैं कि वे अपने प्रेमियों के दुख को सह नहीं पाते हैं, और कुछ व्यंग छिपा हुआ है कि अच्युत नाम है उनका लेकिन जो कहे थे उसको निभाए नहीं, च्युत हो गए, कहे थे आने के लिए नहीं आए, तो अच्छा अच्युत है अर्थात इसका भाव यह है कि जो
अपने प्रेमियों को दुख देने से नहीं मानते हैं तो दुख दे ही दिए। दरदिया दिहला ये सांवरी, मैं गीत सुन रहा था सवेरे, एक व्यक्ति गा रहा था, अरे सांवरे तुमने बहुत दुख दिया। तो दुख देने से कभी कृष्ण च्युत नहीं होते हैं, वो दे ही देते हैं। वो ठीक है ना, लब्ध सर्वार्थ रीति तेषाम अपि अशेष सुख सिद्ध्या तदर्थ चिंता निरस्ता। यह इसलिए करे कि कृष्ण को अब ब्रज में आना चाहिए। लब्ध सर्वार्थ इस शब्द से सिद्ध कर रही हैं कि जादवों का अशेष सुख सिद्ध हो गया, मतलब सब सुख मिल गया है, तो अब उनके लिए भी कृष्ण को चिंता नहीं होगी। अतः कुशली सुखी आस्ते अच्युत इति कथम अपि सुखतस च्युति राहित्याभिप्रायण। कभी भी सुख से च्युत नहीं होते हैं, वो आनंद से ही बने हुए हैं, आनंद कभी हटता नहीं है। अथवा और भी जो मैं अर्थ किया वो दिया हुआ, अधुनेति पूर्व मत्रासो बहुधा दुखम प्राप्तो अस्तिति। अधुना कुशली आस्ते से यह ध्वनित करें कि अब आराम से हैं, यहाँ ब्रज में तो बहुत दुख होता था, यहाँ तो गोप बालक थे, रोज गाय चराना पड़ता था और बहुत देर तक हम लोग नचाती भी थी, उनको पसीना आ जाता था, बहुत परेशान थे, यहाँ बहुत दुख में थे, माखन चुरा लेते थे तो हम लोग पूरे गांव में चोर चोर हल्ला करती थी, तो बड़ा, अब तो सुख से है ना। धुना कुशली आस्ते, यहाँ जब थे तब उनका कुशल नहीं था, ये भीतर से कोप ध्वनित हो रहा है अभी, प्रणय कोप, अब कुशल से हैं, यहाँ पर कहाँ कुशल था, ये सब पूछ रहे हैं। इसमें कुशल से है ना, और कभी कभी क्या बांसुरी बजाते हैं। सटरा सव्यंजन तो रंजन सदा ही करे, उधो नवनीत हूँ सो प्रीति कहूँ पावे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वे नाना प्रकार के व्यंजन मिठाई पकवान तो खाते होंगे, राजा हो गए हैं मथुरा में, लेकिन कभी नवनीत से भी प्रेम करते हैं क्या, मक्खन भी खाते हैं कि भूल ही गए खाना, अरे मिलता ही नहीं होगा, खाएं कहाँ से, ये भाव है। कभी मक्खन से भी प्रीति उनकी होती है, भेंट होती है, मुवस्सर होता है मक्खन। सट रस व्यंजन तो रंजन सदा ही करे, उधो नवनीत हूँ सो प्रीति कहूँ पावे हैं। कह रत न कर बीरद तो बखाने सब, साची कहो के ते कही लाल न लड़ावे। वैसे उधो वहां उनका जस गाने वाले, बड़ाई करने वाले तो बहुत लोग होंगे, ठाकुर सुहाती करने वाले, लेकिन साच साच बताओ, नंद महाराज के समान और माँ जसोदा के समान या गोपो सखाओं के समान हृदय से उनसे प्रेम करने वाला, लालन करने वाला कोई है वहां? नहीं है। कह रत न कर बीरद तो बखाने सब, साची कहो के ते कही लालन लड़ावे हैं। रतन सिंहासन बीराजी पाक शासन लो, जग चाहूं पासनी तो शासन चलावे। ये तो हम जानते हैं कि ब्रज में थे तो घास पर बैठते थे, पुआल पर बैठते थे, पत्थर पर बैठते थे, अब रतन सिंहासन मिला होगा, रतन सिंहासन पर बैठते होंगे, तो अब वो आसन छोड़कर वो इधर गाय चराने आएंगे ना। दुर्लभ राजा का आसन मिला है तो रतन सिंहासन मिले, रत्न सिंहासन, उस पर विराजते हैं, बैठते हैं, और पाक शासन की तरह, लो मैंने तरह,
इंद्र की तरह जग चहु पासनी तो शासन चलावे हैं, सारे संसार में उनका शासन चलता होगा। ठीक है, बड़े हो गए, लेकिन जो सुख जमुना के तट पर बांसुरी बजाने में था वो नहीं मिलेगा उनको। हम पूछती हैं कि जाई जमुना तट पर को बट छाही मही, क्या जमुना के तट पर जाकर किसी बरगद के वृक्ष के छाया में बांसुरी उमाहे कबू बांसुरी बजावे हैं? अपना बांसुरी मतलब छाती फुला करके कभी वो बांसुरी बजाए? नहीं, ये सुख नहीं मिलेगा। बांसुरी उमाही का अर्थ उमंग में आकर के, खुशी में आकर के। रतन सिंहासन विराजी पाक शासन लो जग चहु पासनी तो शासन चलावे हैं, जाई जमुना तट पे को बट छाही माही बांसुरी ओ माही कब बांसुरी बजावे हैं, बांसुरी ओ माही कब बांसुरी बजावे हैं। कुशली पर बयान कर रहे हैं कि अब कुशल से हैं, अर्थात कुशल क्या है, बांसुरी बजाने को मिलता नहीं होगा, कुशल क्या है उनका। अब इनकी दृष्टि में उनको बांसुरी बजाने को न मिले तो कृष्ण का बहुत दुखमय जीवन है। यह आपको कहना चाहिए कि ठीक है, छुट्टी दिलाना चाहिए, जितने कर्मचारी हैं उनसे कहिएगा कि थोड़ा एक आध घंटा छुट्टी दे दो, जमुना जी के तट पर जाएं और बरगद के नीचे कभी कभी बांसुरी बजाया करें, क्योंकि उनको आदत है, यहाँ थे तो सब काम धंधा छोड़कर जाकर बांसुरी बजाने लगते हैं। तो जिस काम में जिस व्यक्ति को सुख मिलता है वो स्वच्छंद करता है, तो क्या वहां अवसर मिलता है? नहीं, शासन करने पाक शासन इंद्र जैसा शासन करने में ही समय बीत जाता होगा, बांसुरी बजाने को नहीं मिलता है। स्त्री गोपियां ईर्ष्या के साथ कहती हैं, वहां के मथुरा की स्त्रियों से ईर्ष्या हो रही है, और नाहक आज तक कृष्ण ने एक कुब्जा को सीधा करने के अलावा किसी स्त्री से नहीं मिले, वो भी कुब्जा की चिकित्सा जैसा की है, उसको खींच दिए वो सीधी हो गई, बहुत सुंदरी स्त्री, और वो प्रार्थना कर रही थी कि आप हमारे घर चलिए, लेकिन भगवान गए नहीं, चले गए। उसके बाद माता पिता को जेल से छुड़ाए, कंस को मारे, जेल से छुड़ाए माता पिता को, फिर पढ़ने चले गए, और जब ही आए तब ही मथुरा से वो पत्र भेजे उद्धव जी के द्वारा। लेकिन इधर से क्या कल्पना चल रही है कि लगता है कि कृष्ण 24 घंटे मथुरा के स्त्रियों के साथ ही हैं, ये ईर्ष्या है। अतिशय कृष्ण प्रीति के कारण ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो कुछ है गोपियां ईर्ष्या से पूछती हैं, चिद गदाग्रज सौम्य करोति पुरयोषिताम प्रीतिम न स्निग्ध सब्रीड़ हासोदारे क्षणार्चितः। हे सौम्य, हे सरल चित्त वाले, सोम जैसे चेहरा वाले, आप पे झूठ नहीं बोलेंगे। सौम्य का अर्थ साधु, विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। एक बात हम पूछती हैं, गदाग्रज श्री कृष्ण जो अब गद को अपना छोटा भाई बना लिए होंगे, स्त्रियों के तिरछी नजर और हंसी को बहुत पसंद करते हैं वो। स्निग्धम च तत् सब्रीड़ हासन उदारम त जत इक्षण तेन अस्माभि अर्चित, अथवा इसका अर्थ ये है, यहां जब थे तो हमारी स्नेह भरी प्रेम भरी सब्रीड़ हंसी से और आनंददायक तिरछी चितवन से बड़ा अर्चित होते थे, इससे वे सम्मानित होते थे, तो उनको यह स्वागत पाने की आदत है। तो वहां पर गद का अग्रज बन करके पुरजोषिताम प्रीतिम करोती, अब तो मथुरा के स्त्रियों को प्रसन्न करने में लगे रहते होंगे रात दिन, उनको प्रीति देते हैं ना सहास अवलोकन आदि द्वारा, अथवा इसका अर्थ यह है,
हे सौन स्निग्ध सबिर हासो दारे क्षणार्चित गदाग्रज न प्रीतिम अस्माकम करणीयम प्रीतिम पुरजोषिताम करोति क्वचित, करते हैं क्या। यहाँ देखना चाहिए कई प्रकार के वाक्य हैं और एक श्लोक से दूसरे श्लोक की बातें मिलेंगी नहीं, अतः वर्ग भेद से उक्ति भेद है। अत्र बहुधा वाक्य भेदेनम वक्त्री भेद कल्पनायाम योग्यायाम अपि यथा कथंचित संगति पूर्ववत कार्य, ऐसे अलग अलग झुंड की सखियां बोली हैं इसलिए इसमें कोई संगति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संगति करने का प्रयास कर रहा हूं। एक श्लोक से दूसरे का कनेक्शन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, सुख स्थिति प्रकारम एव प्रेमोल्लासत कंठे न पृच्छन्ति। जैसे उस श्लोक में कहीं कि अब तो कुशल से हैं, तो कुशलता क्या है उसी को इसमें पूछ रही है, ये संगति बैठा रहे। कृष्ण की क्या कुशलता है वही प्रेम लालसौत कट्ये न पृच्छन्ति कचिदिति। गदाग्रज इति पौर स्त्री जन संगत्या पुर स्त्री प्रीत्या स्मरणार्थोक्ता उदारम उत्कृष्टम नो अस्मदीय स्वामी गदाग्रज ही तनु है अथवा अधुना अस्मासु कृपां बिना किम करते थे प्रेमार्थ्या पुनः पृच्छन्ति कच्चिदिति पुरजोषिताम स्निग्ध सदृढ़ हासाद भीर अर्चितोपि नो अस्माकं प्रीतिम किम करोति। इसमें आशय यह है कि जब उनकी पूजा हो रही है तिरछी चितवन से मथुरा में और नवज्योति स्त्रियों की हंसी से, तो अब तो स्मरण हमारा नहीं आता होगा उनको, लेकिन फिर भी इस बात को आगे रहा नहीं गया पूछ ही दे। पहले तो ये कहते हैं तो प्रीति करते होंगे जो हम लोगों में प्रीति होनी चाहिए। गदाग्रज इति गदो देवरक्षिताया प्रथम पुत्र, देवरक्षिता के प्रथम पुत्र थे, देवकी पुत्र मात्मानं मत्वा संप्रति तस्य अग्रजो भूदिति। हमने सुना है कि वो देवकी को भी अपनी मां मानना चालू कर दिए, देवकी को मां मानना चालू कर दिए हैं तो देवरक्षिता के गर्भ से उत्पन्न गद जो है उसको अपना छोटा भाई मानने लगे, ऐसा हमने सुना है। तो गोकुल संबंधस्तस्य शीतली भूत इति भाव, अब भाई भी अब बनाने लगे, गद को अपना भाई बना लिए तो गोकुल का संबंध सब अब शिथिल हो चुका है। कहने का आशय ये है तो जरूर वहां के स्त्रियों से प्रेम करते होंगे। नो अस्माकम स्निग्धम च तत् सबृढ़ हासे न उदारम च जदीक्षणम तेन अस्माभिर अर्चितो सह संप्रति पुरजोषिताम प्रीतिम उत्पादयति। हमारे हंसी और चितवन से वे सम्मानित हुए थे, अब मथुरा की स्त्रियों को प्रसन्न करने में लगे हैं। शिव शिव अस्मद अर्चनीय सन तासाम अर्चको भूत, हमने सम्मान किया हंसी द्वारा तिरछी चितवन द्वारा, जैसे भी उनका कर्तव्य था कि प्रतिदान करते हमें प्रसन्न करते, लेकिन हमने उनको प्रसन्न किया उनको सुख दिया और वो जा करके मथुरा के स्त्रियों के अर्चक हो गए, अब उनको खुश करने में पड़ गए। इति अस्माकम् एव दुर्भाग्यम् इति भाव। फिर दूसरी गोपियां कहती हैं, कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरजोषिताम नानुबद्धेत तद्वाक्य विभ्रमेश्चानुभाजितः। दूसरी सखियां कहती हैं, अरे मुग्धे तुम क्यों इस तरह की जिज्ञासा कर रही हो, तुम जानती नहीं हो क्या, इसमें संदेह है, कृष्ण क्यों नहीं उन स्त्रियों में बन जाएंगे। कृष्ण की विशेषता दे रही है रति विशेषज्ञ, रति का अर्थ होता है रक्त होना, किसी से प्रेम करना, इसको रति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहीं भी कंदर्प शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है गोपियों के संबंध में,
कहीं भी, और न तो मदन शब्द का प्रयोग किया गया है। कामदेव के सब नाम है, हमेशा स्मर, काम, रति, ये सब शब्द दिए गए हैं। तो इसका संस्कृत में सर्वदा प्रेम अर्थ होता है, ऐसा शब्द रखा गया है जिससे कि विशुद्ध प्रेम परक अर्थ हो। शास्त्र पढ़ने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए, यदि गोपियों में काम विकार होता है तो कभी न कभी कहीं न कहीं कंदर्प शब्द दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। स्मर काम मनसिज, मनसिज का अर्थ होता है मन में जो उत्पन्न हो, तो भगवान के प्रति प्रेम भी मन में ही उत्पन्न होता है, मन में भाव उत्पन्न होता है। फिर ऐसा शब्द कहीं नहीं है जिसका केवल अर्थ है कामदेव हो, ऐसा कहीं शब्द नहीं। तो यहां रति विशेषज्ञ का अर्थ है, रति का अर्थ है रत होना, कोई व्यक्ति कृष्ण में कितना रत है, किस तरह प्रेम करता है, किस प्रकार का, इसके विज्ञाता है रति विशेषज्ञ, प्रेम विशेषज्ञ इसको कहें, प्रेम विशेष। कई प्रकार से कृष्ण से प्रेम किया है भक्तों ने, मथुरा के स्त्रियां हों या द्वारका के हों या मथुरा के जादव हों, वृंदावन के गोप या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबकी रति है कृष्ण के प्रति, कृष्ण में आसक्ति है, कुछ तारतम्य है लेकिन सबकी रति है। तो किस भक्त में क्या रति है, आसक्ति कृष्ण किस तरह से रत है, इसको श्री कृष्ण जानते हैं। तो जो रति विशेषज्ञ जानता है कि अमुक व्यक्ति हम में इस तरह रत है, इस तरह प्रेम करता है, तो वह क्यों नहीं प्रेम का प्रतिदान करेंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। रति विशेषज्ञ का अर्थ प्रीति विशेषज्ञ, प्रेम विशेषज्ञ, भगवान जानते उनको, ज्ञ कहा गया है भागवत के प्रथम श्लोक में, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितर्थश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञ। अर्थेषु का एक अभी अर्थ किया गया है कि अर्थ है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम कई तरह से होता है, इसलिए उसको अर्थेषु, कौन भक्त किस तरह से कृष्ण से प्रेम करता है इसके पूरा पूरा ज्ञाता है, और उस प्रेम के अनुसार वे बदला चुकाते हैं। तो प्रेम को समझता है वह प्रेमी की इच्छा को क्यों नहीं पूरी करेगा। वर जोशिताम, और जितनी भी वर जोशिताम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं, यहां वर का अर्थ है बहुत पढ़ी लिखी, वेद शास्त्र जो जानती हैं, जिन्होंने तप किया है कई कई जन्मों तक, बिल्कुल विशुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, वे स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, यह अर्थ है। वर जोशिताम प्रिय, वर जोशिताम, संसार में बहुत सी स्त्रियां हैं लेकिन भागवत प्रमाण है सबसे बढ़ करके लक्ष्मी देवी हैं, और मथुरा की अंगनाएं हैं, स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर की हैं, द्वारका की हैं, जितनी भी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है भगवान की पत्नियों का वर्णन करते हुए कि आसम किम वर्णते तपह, अरे श्री कृष्ण को जो स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, चरण संवहन करती हैं, पंखा झलती हैं, उनके केशों में कंघी करती हैं, चरण में मालिश करती हैं, पंखा झलती हैं, उनको पान खिलाती हैं, श्री कृष्ण को अपना मान करके परम अनुराग के साथ जो सेवा करती हैं, उन स्त्रियों के तप का कौन वर्णन कर सकता है, कितना सुकृत किया है किन किन जन्मों में। तो जो इस तरह से शोधित अंतःकरण वाली, पवित्र अंतःकरण वाली स्त्रियां हैं, सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और प्रेम के ज्ञाता है, तो कथम न अनुबद्धता, क्यों नहीं उनके प्रेम में बंधेंगे। ऐसा थोड़े है केवल हम ही लोग प्रेम करती हैं, ये भीतर से अर्थ निकल रहा है शब्दों से। हमारे प्रेम को वे जानते हैं, मथुरा की स्त्रियों के प्रेम को जानते हैं, सभी भक्तों के प्रेम को जानते हैं, तो जो जैसा प्रेम करता है वैसा बंधन लगता है कृष्ण प्रेम, मतलब प्रेम का बंधन,
झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोते तोरी में छोरी जाए। प्रेम के ज्ञाता है, कथम न अनुबद्ध तद वाक्य है। जब उन मथुरा के उन स्त्रियों के मुख से प्रेम के वाक्य निकलेंगे, श्री कृष्ण के आसक्ति को प्रकाशित करने वाले, और उस प्रेम के कारण वे अपनी भावें चलाएंगी, तिरछी चितवन से देखेंगी, तो इस तरह से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे निश्चित। यह वास्तविक अर्थ, और इस पर एक भाव यह है कि अरे सखी, हम लोगों के पास कहां वह विभ्रम है, हम नहीं कला जानती हैं और न हम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, हम तो गांव की ग्वालिन हैं, और हमारे पास उस प्रकार की हंसी, उस प्रकार का विभ्रम विलास नहीं है, अतः वे निश्चित ही यहाँ नहीं आएंगे, न हम लोगों का कुशल पूछते होंगे, न याद करते हैं।